इस फिल्म की कास्टिंग गलत है। इन लोगों का सुपर पावर स्विच होता रहता है, कभी हीरो के पास आ जाता है पुलकित सम्राट के पास, कभी वरुण के पास चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है। होता क्या है, जब आप फ्रेंचाइजी फिल्में बनाते हैं तो आपको अपने कैरेक्टर एज रखने पड़ते हैं। उनके कैरेक्टर में कुछ एड ऑन हो सकता है लेकिन स्विच नहीं हो सकते कैरेक्टर। ऋचा चड्ढा अनफिट, अली फजल अनफिट, पंकज त्रिपाठी अनफिट, नवजोत अनफिट, पुलकित अनफिट, वरुण अनफिट। नमस्कार भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। देखो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार पहली फुर्सत में भाई, और कमेंट किया करो, लाइक किया करो, और फिर मैं सब्सक्राइब करते बोल दूँगा भाई। आज मैं फिल्म फुकरे 3 का रिव्यू करने वाला हूँ भाई। भाई ये एक्सल एंटरटेनमेंट की फिल्म है जी, और ये फरहान अख्तर जी और रितेश सिडवानी जी साहब इसके प्रोड्यूसर हैं। बड़े टैलेंटेड लोग हैं साहब, मतलब कमाल फिल्में बनाते हैं। लेकिन जो ये फुकरे 3 है जी, इसकी जो स्क्रिप्ट है भाई साहब, सबसे कमजोर पार्ट इसका स्क्रिप्ट है। 2-3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहले, इस फिल्म की कास्टिंग गलत है। जब फुकरे 1 बनी थी तब आपने यंग ऑडियंस से कनेक्ट किया था, कॉलेज गोइंग बॉयज दिखाए थे, कॉलेज की एक लाइफ दिखाई थी, उसमें उन लोगों के साथ क्या होता है वो दिखाया था। थर्ड, इसमें एक सुपर पावर दिखाया था। इन लोगों का सुपर पावर स्विच होता रहता है, कभी हीरो के पास आ जाता है पुलकित सम्राट के पास, कभी वरुण के पास चला जाता है, कभी किसी और के पास चला जाता है। तो मतलब ये स्विचेबल पावर है इन लोगों के पास, जो आती रहती है, एक से दूसरे को मिलती है, दूसरे से तीसरे को मिलती है। मतलब ये एक फैलने वाली बीमारी की तरह है, तो जो कि अनपचाएबल है। होता क्या है, जब आप फ्रेंचाइजी फिल्में बनाते हैं तो आपको अपने कैरेक्टर एज रखने पड़ते हैं। उनके कैरेक्टर में कुछ एड ऑन हो सकता है लेकिन स्विच नहीं हो सकते कैरेक्टर। या तो आप पूरी की पूरी टीम ही बदल देते फुकरे की, क्योंकि जैसे आपने डॉन, जैसे अमिताभ बच्चन साहब की डॉन थी, फिर सेकंड शाहरुख खान साहब की, अभी सुना है रणवीर सिंह साहब की डॉन आ रही है, वैसे ही फुकरे टीम की पूरी, फुकरे 3 की टीम को पूरा चेंज किया जाना था, नई कास्टिंग की जानी चाहिए थी। ऋचा चड्ढा अनफिट, अली फजल अनफिट, पंकज त्रिपाठी अनफिट, नवजोत अनफिट, पुलकित अनफिट, वरुण अनफिट, ये सभी लोग इस फिल्म में मिस कास्ट लगते हैं। इन लोगों की कास्टिंग परफेक्ट नहीं लगती। पहली बात तो जो विपुल विक साहब ने जो लिखी है फिल्म, वो स्क्रिप्ट बहुत 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 कमजोर है। ऐसा लग रहा था भाई कि स्क्रिप्ट को पोलियो हो गया, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है कोई भाई। बहुत ही मतलब कुछ कॉमेडी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है भाई फिल्म के अंदर, मज़े ही नहीं आ रहा फिल्म के अंदर। पब्लिक भी है भाई, बड़ी मुश्किल से टिकट विकट लेके पहुँचे भाई, ऑटो ऑटो का सफ़र करके वहाँ पहुँचे, तो भाई देखा तो था कि 3-5 कुछ कॉमेडी नहीं हो रही भाई। फिल्म है कॉमेडी, ट्रेलर में कॉमेडी दिखा रहे, तो भाई फिल्म में भी तो कॉमेडी होनी चाहिए ना, कॉमेडी नहीं है फिल्म के अंदर यार भाई, बड़ा दुख हुआ मेरे को। खैर, और मृगदीप लांबा साहब इसके डायरेक्टर हैं। हालांकि डायरेक्टर के हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट ही बहुत कमज़ोर थी। तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर थी भाई, हर लेवल पे, डायलॉग लेवल पे, स्क्रीन प्ले लेवल पे, कैरेक्टराइजेशन के लेवल पे, हर लेवल पे स्क्रिप्ट कमज़ोर थी। चलिए जाइए आप परफॉर्मेंस पे जाते हैं। परफॉर्मेंस, अरे जब स्क्रिप्ट में ही दम नहीं है तो एक्टर क्या कर लेगा। इतने बड़े बड़े नाम लिए, ऋचा चड्ढा, अली फजल, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, नवजोत, पंकज त्रिपाठी, आज पंकज त्रिपाठी को बहुत बड़ा एक्टर माना जाता है, लेकिन फिल्म ऐसी लगी कि बस पैसे कमाने के लिए बनाई गई फिल्म है भाई। मतलब फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू तो जीरो है भाई, कुछ हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ मतलब कॉमेडी के नाम पे जीरो। इतने बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक्सल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर और रितेश सिडवानी साहब, लोगों को ऐसी स्क्रिप्ट पसंद क्यों जाती है। ये लोग मेरी स्क्रिप्ट क्यों नहीं लेते, मेरे पास भी बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी रखी, लेकिन घुस नहीं देते इन लोगों के यहाँ पे। इन लोगों के यहाँ पे टैलेंटेड राइटर घुस ही नहीं सकता भाई साहब, इतनी छलनियाँ लगी हुई है ना, और हिंदी में लिखने वालों की तो बड़ी बंड मार रखी है इन लोगों ने, जान ही नहीं देते हिंदी में। जो बेचारा स्क्रिप्ट लिखता है उसकी तो मोल ही नहीं है भाई साहब, न करण जौहर ना ये लोगों के यहाँ, हिंदी में लिखने वाले की तो कोई वैल्यू नहीं है। और फिल्म बनती हिंदी में भाई, हिंदी में नरेशन भी नहीं कर सकता आदमी, समझ रहे हो आप, इसलिए मैं नहीं जाता कहीं नरेशन करने। खैर, बदला ले, नहीं बदला नहीं ले रहा मैं, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट लेवल पे तो फिल्म बहुत कमज़ोर है भाई साहब। फिर आगे अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस लेवल पे किसी का काम आपको पसंद नहीं आएगा, बिकॉज कुछ है ही नहीं उनके करने के लिए। वे सारे कलाकार बर्बाद कर दिए, मतलब व्यर्थ गए।
म्यूजिक नहीं है जी साहब, तो है क्या फिल्म है? जी फिल्म है, दो ढाई घंटे का एक चलचित्र बना रखा साहब, जिसकी फ्रेंचाइजी फुकरे वन बहुत चली थी, फुकरे टू उतनी नहीं चली जितनी फुकरे वन चली थी, तो अगर ये लोग फुकरे थ्री बना रहे थे तो इनको उस चीज़ से थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए था भाई, लेकिन लिया नहीं, और फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर, बहुत 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 बहुत, बहुत कमज़ोर, सारे कैरेक्टर चेंज कर देने चाहिए थे बस, बार बार मैं यही कह रहा हूँ भाई, क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ है नहीं जाता। तो भाई ये तो मेरी राय है, हो सके आप लोगों को फिल्म पसंद आ जाए भाई, मेरी राय से सहमत हो नहीं हो अलग बात है, कमेंट में आओ कुछ कुछ बोलो, गालियाँ वालियाँ दे दो भाई, जो कहना है कह दो भाई, अब मैं क्या कह सकूँ इससे ज़्यादा। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो में लाइक कर लो भाई, बस इतना ही कह सकूँ।